इंदौर शहर में हत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ ऐसा ही मामला मंगलवार सुबह देखने को मिला, जिसमें कनाडिया थाना क्षेत्र में बने आईडीए की बिल्डिंग की छत पर महिला की लाश मिली है। महिला के कपड़े फटे हुए हैं, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि संभवतः महिला के साथ दुष्कर्म भी किया गया है। इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र की बूरी टेकरी के पास बनी आईडीए की बिल्डिंग की छत पर एक महिला की लाश मिलने की सूचना कनाडिया थाना पुलिस को मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब जांच की तो महिला के सर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं और महिला का शव नग्न अवस्था में मिला, जिससे पुलिस को महिला के साथ दुष्कर्म की घटना प्रतीत हो रही है। कनाडिया क्षेत्र में भूरी टेकरी पर कमजोर वर्ग के लिए जो मल्टी बनाई है शासन के द्वारा, वही मल्टी में के छत के ऊपर एक अज्ञात महिला का शव मिला है और जो खून से लथपथ है, और ऐसा प्रतीत होता है कि डेथ जो है वो होमिसाइडल प्रकृति की है। और पुलिस द्वारा जो है वो अज्ञात महिला, चूँकि अज्ञात महिला भी है और वहाँ की परिस्थितियाँ देखकर ऐसा लग रहा है कि वो मांगकर या इस टाइप से अपना जीवन यापन करने वाली महिला है, 30 वर्ष के लगभग की महिला है। और पुलिस ने संबंधित संदिग्धों को निगरानी के दायरे में रखते हुए और तलाश कर रही है और बहुत जल्दी जो है घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। कनाडिया पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिससे पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए मृदुभाषी न्यूज के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को।